Zombie Apocalypse. गाइस मेरा नाम है उस्समा और आप देख रहे हैं उस्समा राजपूत यूट्यूब चैनल। तो आज की स्टूडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूं एक पोएट्री वीडियो स्टेटस। तो यहां पे किस मैं आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूं। जाना मेरी जान, तुम बदले तो कुछ नहीं, अगर हम बदले तो माहौल बदल देंगे। तो कि जैसे कि हमने डेमो वीडियो में देखा, यहाँ पे कि आप देख सकते हैं ये एक ऐसा एटीट्यूड पोइट्री स्टेटस है, और इस तरह की चीज़ों से बैकग्राउंड के ऊपर वीडियोस वगैरह आप लगा के खूबसूरत स्टेटस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ आप वीडियो कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो इसमें आपको आगे चल के बताऊँगा। सो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देख लेना है। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए इस मिनट में इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कि सबसे पहले आपने जो सा क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके देन गाइस आपने 4.5 की गई जो सी रेशियो है वो आपको चूज करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना। आपके सामने यहाँ पे जो सी एक वीडियो ऐड कर लेनी है। तो वीडियो जो सी किस मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है, यहाँ पे किस आप देख सकते हैं। तो मैं जो सा इसको कुछ इस तरीके से भरा लूँगा, तो ये इस टाइम भर चुकी है। अब किस आपने यहाँ पे इक्वल के ऊपर क्लिक करना है, देन ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब किस आपने नीचे जो सा एक ब्लू कलर का शेडो है वो किस आपको यूज़ कर लेना है। तो शेडो जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे जो मैं इसको कुछ इस तरीके से भरा लेता हूँ, देन मैं गई जो इसको नीचे की तरफ ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद आपने इसको जो सेंड तक कर ले जाना, जितने भी आपकी वीडियो होगी देन किसी आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब किसी आपने यहाँ पे जो एक बॉर्डर यूज़ कर लेना है, बॉर्डर जो सा किस मूवेबल है तो वो इसमें यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो किस बॉर्डर जो सा किस मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया जो कि इस कुछ इस तरीके का होगा, देन किसी आपने जो इसको फुल स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ट करना है और उसको भी जो सा कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। देन किसी आपने बैक के ऊपर क्लिक करना है। अब किसी आपने यहाँ पे बर्निंग वाले मोड के ऊपर जाकर यहाँ से किसी आपने जो इसको स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद किसी आपने यहाँ पे जो सा एक टाइम लाइन है वो किसी आपको यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। तो टाइम लाइन जो सा किस मैंने यहाँ पे ऐड कर ली, यहाँ पे किस मैं क्रोप वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर इसको जो सा मैं कुछ इस तरीके से क्रोप कर दूँगा। देन किसी आपने यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको सिंपली यहाँ पे करना है बर्निंग वाले मोड के ऊपर जाकर यहाँ से किसी आपने इसको स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर किसी आपने जो इसको नीचे की तरफ मूव कर लेना है कुछ इस तरीके से, यहाँ से थोड़ा सा भरा लेता हूँ ताकि ठीक तरीके से नजर आए। साइज जो से इसका मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और अब गई जो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। एडजस्ट करने के बाद किसी आपने नीचे जो सा एक बॉक्स है वो किसी आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है ताकि किसी आप जो सा अपना यहाँ पे खुद का नेम यूज़ कर सके। तो बॉक्स जो सा किस मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, अब किसी आपने इसका साइज जो सा छोटा करके इसको किसी आपने जो सा यहाँ पे ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो अभी भी ज़्यादा छोटा है तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसको जो सा किस मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे किसी आपको लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद अपने इस चैनल का नाम या फिर किसी आपने अपने आईडी का नेम आपको यहाँ पे लिख लेना है। सामा राजपूत की इसमें यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे किसी आपने फ़ोन जो है एक नॉर्मल सा यूज़ कर लेना है। सही गई जो है इसका मैं छोटा करके इसको भी जो है मैं बिल्कुल इसके मिड में ऐड करूँगा। तो यहाँ पर बड़ा के देख लेता हूँ, तो अब ये सही है बिल्कुल गई, इस टाइम ये परफेक्ट आ चुका है। यहाँ पे गई जो इसका कलर है वो इसमें फिलहाल के लिए कर देता हूँ येलो, या जो चाहे मर्जी के आपने कर लेना है। अब आपने जो इसको एंड तक ले जाना जितने की आपका स्टेटस होगा, और यहाँ से जो मैं इस बॉक्स को भी एंड तक ले जाऊँगा कुछ इस तरीके से। एंड तक ले जाने के बाद अब आपने यहाँ पे जो है रिलिक्स ऐड कर लेना है। तो लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा, टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद पहला के जो सा रिलिक्स होगा वो इसमें यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देन मैं इस ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब आपने इसको एंड तक ले जाना जितने की आपका स्टेटस हुआ, तो यहाँ पे कि जो मैं अब एक फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे कि जो मैं अरेबिक फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे कि आपने जो अपनी पसंद का जो चाहे मर्जी के आपने फ़ॉन्ट यूज़ कर लेना। तो ये वाला जो मैं फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कि जो मैं इसकी स्ट्रोक लाइन है वो इसमें यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ी विड्थ इसकी बढ़ा लेते हैं। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, एक इस खूबसूरत इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। अब किस आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे किस आपको इन और आउट एनिमेशन का आपको यूज़ कर लेना है। इन एनिमेशन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे जो मैं एक एनिमेशन यूज़ कर लेता हूँ, तो वाइप ये वाला इसमें यूज़ करूँगा। बैक ऊपर क्लिक करूँगा, आउट एनिमेशन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे जो मैं फेद यूज़ कर लूँगा। देन मैं किस ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब जब आपने वीडियो को प्ले करना है, जाना मेरी जान, तो यहाँ पे किस आ चुका है पहला जो सा किस हमारा रिलिक्स। तो इसको किस आपने यहाँ से ट्रेन कर लेना है, कहा था मेरी जान, तो कहा था ना मेरी जान, तो यहाँ पे किस मैंने ऐड कर लिया है तुम बदले, तो यहाँ पे इसको ट्रेन करूँगा, कट करूँगा इसको यहाँ से कि जो से मैं एडिट के ऊपर क्लिक कर लूँगा तुम बदले, तो ये यहाँ पे आ चुका है। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर ये जो सा रिलिक्स होगा तुम बदले तो कुछ नहीं, यहाँ पे अगर हम बदले तो ये यहाँ तक रहता है, इसको इसमें यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। ट्रिम करने के बाद अगर आपने यहाँ पे भी अगर रिलिक्स जो सके आपको कट करके पेस्ट कर लेना जो से भी होगा, तो कुछ नहीं ये वाला इसमें यहाँ पे ऐड करूँगा। देन आपने ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसी तरीके से आपने जो सारे रिलिक्स आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कुछ इस तरीके से होगा आपका सामने इंटरफेस। अगर आपने ऊपर जो सा एक बीट यूज़ कर लेनी जोकर वाली, इस बीट के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने मेरे से इंस्टा के ऊपर मैसेज किया था, तो इस तरीके से मैं जो सा मैंने कहा चलो इसी स्टेटस के अंदर इसी बीट का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ से जो मैं इसको स्क्रीन कर लेता हूँ और स्क्रीन करने के बाद साइज जो सके इसका बढ़ा के यहाँ पे या फिर गेज आपने यहाँ पे जहाँ चाहे मर्जी गेज आपने यूज़ कर लेना। नीचे का इस यूज़ ना करना क्योंकि इस ये बीट वाला गेज जो सा हमने बॉर्डर यूज़ किया जिसकी वजह से गेज ये जो सा बीट इसकी अप डाउन होगी तो उसके साथ मैच करेगी, तो इसलिए इतना खास इंटरफेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपने ऊपर की तरफ इसको ऐड कर लेना है। तो ये रहा गाइस हमारा स्टेटस जो कि कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। और रही बात गाइस आपने इस तरह की वीडियो कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो स्क्रीन के ऊपर गाइस आपको एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रही होगी, तो ये गाइस टिकटॉक की एक आईडी है, यहाँ से जाके गाइस आप जो है इस तरीके के स्टेटस के लिए इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट वाटरमार्क। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक रहते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।